इतिहास में ये अपनी तरह का पहला मामला है जब देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक हुई हो और पंजाब में आज ऐसा ही हुआ। प्रहलाद पटेल जी, सबसे पहले क्या कहेंगे जिस तरह की घटना हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण समाचार नहीं हो सकता। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और पंजाब सरकार की ये नैतिक और संवैधानिक विफलता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग जाना और सुरक्षा कारणों से सभा नहीं होगी ये घोषणा करना, ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। एक ही दो ही रास्ते हैं, या तो खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, या मैं मानता हूं कि इस षडयंत्र में सरकार शामिल है, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पुलिस को ही ये रूट पता होता है प्रधानमंत्री किस रास्ते से गुजरेंगे, प्रोटेस्टर को कैसे पता चल गया, बड़ा सवाल ये। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जितने भी सुरक्षा के स्थापित पैमाने हैं उन पैमानों में वैकल्पिक रास्ता सिर्फ सरकार को पता होता है या उनके सुरक्षा तंत्र को पता होता है, पुलिसकर्मियों को। और इसलिए स्वाभाविक है कि पंजाब सरकार की जवाबदेही पूरी तरह से बनती है और जो चीजें अगर वहां के महानिदेशक ने या सरकार ने जो आश्वस्ति दी थी और वो आश्वस्ति अगर पूरी नहीं होती है तो नैतिक और संवैधानिक रूप से पूर्णतः पंजाब सरकार ही जिम्मेदार है। और मैं मानता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस पूरे उसमें अगर षड्यंत्र है तो सरकार षड्यंत्र में शामिल है, इससे ज्यादा और कुछ शर्मनाक नहीं हो सकता। अंतिम सवाल, कहीं साठगांठ आपको नजर आती है जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच, पुलिस के बीच और सरकार के लोग हैं उनके बीच, क्योंकि जानकारी लीक हुई प्रोटेस्टर्स को? मुझे लगता है इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए और मुझे लगता है सरकार इस बात में फिर उसके बाद से चली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रहलाद, कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तकनीकी खामी के चलते उनका रिएक्शन इस वक्त हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सिरसा जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब भी आया है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट के ट्वीट पर लिखा है और जो लिखा है वो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी और आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि डियर नड्डा जी, आपको ये बताना चाहेंगे 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया गया था प्रधानमंत्री की रैली के लिए, सारे इंतजाम किए गए थे दूसरी एजेंसीज और एसपीजी के साथ मिलकर, रूट क्लियर किया गया था, प्लान किया गया था, इनफैक्ट बीजेपी वर्कर्स जो थे उनके लिए भी, जो हरियाणा और राजस्थान से बीजेपी वर्कर्स आ रहे थे उनके लिए भी तैयारियां की गई थी सो फार एज रूट इज कंसर्न। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह डिसीजन लिया कि वो रोड जर्नी से रोड के माध्यम से जाएंगे हुसैनीवाला, जो कि उनके ओरिजिनल शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। उसके बाद वो लिखते हैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी KMSC हैज बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट PM's विजिट एंड यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत हैज हेल्ड 2 राउंड्स ऑफ नेगोसिएशन विद देम। वो कह रहे हैं कि KMSC प्रधानमंत्री की विजिट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 2 राउंड की बातचीत इनके साथ की थी। और उसके बाद वो ये लिखते हैं कि आपको पता ही होगा कि KMSC की डिमांड क्या है और फार्मर्स क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो लिस्ट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि MOS होम को सैक किया जाए, क्रिमिनल केसेस जो हैं फार्मर्स के खिलाफ चाहे वो हरियाणा दिल्ली और यूपी के वो वापस लिए जाएं, और 700 जो किसान मारे गए उनके लिए कॉम्पनसेशन, और जो MSP पर कमेटी है उसकी वो मांग कर रहे हैं। ये जवाब है उनका सर, आपने जो आरोप लगाए उसके खिलाफ। वो कह रहे हैं हमने तो इंतजाम किए थे, प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया रोड से जाने का।